नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। मुरादाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते छात्रा को सरेआम कुल्हाड़ी से काट डाला पिता भाई ने। बुधवार को भोजपुर थाना के अंतर्गत ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। प्रेमी के घर गई छात्रा को सरेआम पिता और भाई ने धारदार हथियार से काट डाला। आरोप है कि पिता ने भी बेटी की हत्या करने में बेटे का साथ दिया। दिल निकालने पर हुई छात्रा की निर्मम हत्या से गांव में कोहराम और पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने छात्रा के पिता को हिरासत में ले लिया है, जबकि आरोपी भाई फरार हो गया। पुलिस छात्रा के कथित प्रेमी व उसके पिता को थाने लाकर पूछताछ की गई। घटना से जिले भर में सनसनी फैल गई। आपको बता दे, पूरा मामला जनपद मुरादाबाद के भोजपुर क्षेत्र के गाँव रानी नगला का है। वहां रहने वाली नीलम कश्यप पुत्री सुभाष आयु करीब 20 वर्ष गांव के ही मोहित यादव से प्रेम प्रसंग चल रहा था। थाना भगतपुर क्षेत्र के नाटकपुरी स्थित चुनिया देवी कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा थी नीलम। पुलिस के मुताबिक नीलम परिवार पर विवाह के लिए दबाव बना रही थी, जबकि परिवार मोहित से शादी करने को तैयार नहीं था। नीलम अपने घर से प्रेमी के घर चली गई थी। सुबह नीलम को घर से गायब देखकर पिता व भाइयों में गुस्सा फैल गया। वो मोहित यादव के घर गए और नीलम पर कुल्हाड़ी व चाकू से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी से सिर पर बाहर किए जाने से नीलम की मौके पर ही मौत हो गई। भोजपुर पुलिस के साथ क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा डॉक्टर अनूप मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। थाना प्रभारी भोजपुर ने बताया कि नीलम के पिता व भाई के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आज यहाँ एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। ये घर किसका है? ये हमारा घर। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला में सोकर उठी थी, कमरे में सो रही थी। 6:30 बजे सोकर उठी, किवाड़ा लगी थी, मैंने धक्का मारा झाड़ू खोलने को। लड़की थी, मैंने किवाड़ा खोल लिया, मुझे ले लिया, अपने घर पे चली गई। उसकी मम्मी आ गई, मम्मी को हमने पूछने थी। मम्मी ने 2-3 रैपटे मारे, चप्पल मारे, बाल खींचे लड़की के, तो चल यहाँ से हमारे घर को। ये मर गई जाएगी तो हमने हाथ जोड़े जाना चले जाएगा। ले ली जितनी भीड़ डाल के तरफ किया करती थी, चली बोले मैं नहीं जा रही। हमारे परिजन ट्रैक्टर पे गाय चल रहे चल। ये आए, इसके पापा लड़की के पापा आए, आते खनी चप्पू लेकर लड़का यहाँ से सूट पड़ा, गला पकड़ कर खींची बाहर को। फिर लड़का आके एकदम कुल्हाड़ी लेकर खाट पर डाली दोनों में बैठी। लड़की का भाई? हाँ। क्या नाम है उसका? मोहित। मोहित, हाँ। कुल्हाड़ी मारे, मैंने कहा मेरी ये लड़की ने अपनी खाट पर डाली, मैंने पकड़ा भी तो मैं कहा इन्होंने मार दी, तो मैं बाहर को निकली, मैंने ताऊ के घर आ गई। आपने सूचना दी फिर? हाँ? सूचना दी आपने? किसको सूचना दी? वही प्यारे प्रधान जी को सूचना दी थी हमने। सूचना दी हमने कि लड़की आई। जिस समय वारदात हुई थी आप अकेले थे घर पे? घर पे मैं थी, नंद थी, मेरी एक सास थी हमारी। अच्छा, आपकी सास थी? हाँ। तो आपने बचाने की कोशिश की? बचाने की कोशिश करी, ये लड़की मेरी बेहोश हो गई, मैंने फेंका मारी ये लड़की खाट पर, तो इन्होंने धक्का दिया और गाली लगते गंदी गंदी। फिर इनका दूसरा लड़का आ गया भक्कर, जब भक्कर लिपने को मैं जीने पर चढ़ी, भक्कर आई तो वो लिपटने को गाली देना सब गई। क्या नाम है दूसरे का? संजू। ये प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था इनका? ये मुझे नहीं पता, जेवर से मैं 3 साल से नहीं बोलती अपने से, इन सब ये नहीं बोलती है। अच्छा, परिजनों किसी को मालूम नहीं था? नहीं, 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 किसी को भी नहीं पता था। हमें प्रेम प्रसंग के बारे में किसी को मालूम नहीं था? किसी को हमें कुछ देवर से गैर से इंसान बोल रहे, मैं देवर से तो मेरे बिल्कुल बोलने का कोई नहीं है। क्या नाम है आपके देवर का? मोहित। मोहित, मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैंने अपना 3 साल पहले मतलब ही खत्म कर दिया था। फिर लड़की के परिजन हत्या करने के बाद में घर से यहाँ से फरार हो गए? यहाँ से चले गए, यहाँ से गए वो घर से दोनों, और कपड़े चेंज करके आए। अभी कपड़े और करके आए, जब माने सूट पहन रखा था पुलिस वाले, जब बता रहे पुलिस वाले का साड़ी पहन रखी है, सूट पहन रखा था।
सर आज क्या घटना घटी, कहाँ घटी है, क्या पूरा मामला? थाना क्षेत्र भोजपुर जनपद मुरादाबाद ग्राम रानी नागर में ग्राम प्रधान द्वारा यह सूचना दी गई है कि उनके गांव की बच्ची की हत्या कर दी गई है और प्रथम दृष्टया वो बच्ची किसी दूसरे घर में मृत पाई गई है और जो जानकारी मिल रही है बच्ची के परिजनों द्वारा ही वो हत्या कारित की गई है। इस संबंध में हमारे फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड की टीम काम कर रही है। इसके साथ साथ मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है, तहरीर प्राप्त है और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें भी पूछताछ के लिए आरोप के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ करके बाद में उनके संलिप्तता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।